सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस बताने वाला हूँ। तो देखो, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि एक बहुत फेमस इंडियन क्रिकेटर के नाम से सौरभ गांगुली, ओके, सपोज करो वो कोई मैच खेल रहे हैं। अब तो वो मैच नहीं खेलते हैं, सपोज करो कि वो कोई मैच खेल रहे हैं, उस मैच में उन्होंने क्या कर दिया, कैच ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे मैंने SG ने CD लिखा, मीन्स एस फॉर सौरभ है, गांगुली ने कैच ड्रॉप कर दिया, ठीक है, CD फॉर कैच ड्रॉप कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, इफ ही इज प्लेइंग मैच और उन्होंने कैच ड्रॉप किया तो जाहिर सी बात है वो उदास ही होंगे, तो उसको इंग्लिश में हम सैड बोलते हैं। ओके, आपको बस इतना ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ABS, ये एब्सिसिक एसिड जो होता है वो एंटागोनिस्टिक टू होता है जिबरेलिन का। ओके, तो अब हमें फोकस करना है सिर्फ इस चीज में, SG ने कैच ड्रॉप किया सैड होने। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे एस फॉर अलग कर दिया सौरभ, जी से गांगुली, कैच ड्रॉप को एक साथ लिखा है। ओके, उसके बाद सेनेसेंस एब्सिसन डॉर्मेंसी, इसको अलग लिखा है, एंड ये मैंने एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिन, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, एस से हमें याद रखना स्टोमेटा। अब स्टोमेटा को क्या करेगा, इसको क्लोजिंग में हेल्प करेगा, नॉट ओपनिंग में, क्योंकि स्टोमेटा को ओपन करता है साइटोकाइनिन। आपको हमें ध्यान रखना है यहाँ पे स्टोमेटा को क्लोज करने में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करेगा, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। जी से जर्मिनेशन, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन सीड जनरेशन को इनहिबिट करेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा ये चीज, प्रोमोट और इनहिबिट में कंफ्यूजन होता है, तो यू हैव टू लर्न इनहिबिट। ओके, सेल डिवीजन को भी ये इनहिबिट करता है, सेल डिवीजन को भी इनहिबिट करता है, क्योंकि हमें पता है सेल डिवीजन को प्रोमोट कौन करता है, ऑक्सिन करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो सेल डिवीजन को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट एस से आपको याद रखना सेरेसेंस, एब्सिशन और डॉर्मेंसी, इस तीनों को ये क्या करेंगे, प्रोमोट करेगा। ओके, तो मैंने क्या बताया, ये जो साइड था सेनेसेंस एब्सिशन डॉर्मेंसी, इन तीनों को प्रमोट करेगा, बाकी सेल डिवीजन को भी इनहिबिट करेगा और ये सी जनरेशन को भी इनहिबिट करेगा और स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करेगा। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।